Joining us now in the studio is Lakshmi Narayan Tripathi, transgender rights activist. Thank you, Lakshmi ji, for joining us today. You know, you've been part of this campaign, but also you've been working for the rights and the upliftment of the LGBTQ community, especially the transgender community. Over, and not for a short while, over the last two decades you've been working towards it. Have you seen the needle move in terms of change? Actually, after the Supreme Court verdict and the new Transgender Act which Parliament passed under the leadership of our Prime Minister, and lots of changes has come. In the health sector, when you see health-seeking behavior has come, doctors are not being that much of stigma and discrimination. Now, RML Hospital in Delhi has a complete new ward for transgenders, and everything has been opening now. But there is, I believe that a lot has to be done. Stigma is coming down, things have been changing, and change is there. Seeking for a quality health services has become one of the issues in the transgender community, whether it's a trans man, trans woman, whether you call the hijras or the kinners, all the communities, I feel that now are very health conscious. And after COVID, it has become more evident in the lives of the transgender people that they have become sensitive towards their own seeking of health, that how it would be and how safety should be maintained. So things have changed. Hi, Lakshmi ji. Namaskar. Namaskar. In fact, we traveled together once. Yes. We were in the same flight. You were talking to me at that time. And I did a film in Chandigarh, Aashiqui. Of course, I saw it and I really liked the whole topic and the sensitivity, the way you handled it. Thank you so much, Lakshmi ji. In fact, I am Dhananjay Chauhan, a transgender activist in Chandigarh. I also provided a food truck to them. They are an entrepreneur. It is a representation in society. तो मैं आपसे 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 मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, अलग 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 इश्यूज की बात करते हैं, और क्या इश्यूज हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एड्रेस करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे भारतवर्ष में एक ही अभी हॉस्पिटल हुआ है, आई बिलीव कि डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है और सही डॉक्टर्स को ट्रेन करना जरूरी है। अभी हम नवम्बर में डब्ल्यू पार्थ करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एम्स के डॉक्टर्स को ट्रेन करें कि राइट सर्जरी कैसे हो, क्योंकि बहुत सारी सर्जरियां गलत हो गई हैं और ये लोगों को लगता है कॉस्मेटिक सर्जरी है, पर ट्रांसजेंडर्स के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अगर गलत सर्जरी हो जाती है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं, ट्रॉमा में हो जाते हैं। तो हम किसी के टेबल पे गिनी पिग्स नहीं हैं, तो डॉक्टर्स को भी सेंसिटाइज होना चाहिए, डॉक्टर्स को ट्रेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और आई बिलीव मेडिकल ICMR भी अपने एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसजेंडर्स का चैप्टर लाए, क्योंकि अभी कॉस्मेटोलॉजी और वगैरह में तो लोग पैसे बना रहे हैं फेमिनाइजेशन, मैस्कुलिनिटी को लेके ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन, सब लोग इतना पैसा खर्च करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर करें, पर उसके बदले वो कभी कभी निराश होते हैं। तो आई बिलीव कि अभी भी बहुत सारी चीज़ हेल्थ सेक्टर में करना बाकी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सेंसिटाइज होना बाकी है। हम उस शहर में बैठे जहां से एक्टिविज्म शुरू हुई बम्बई में, और हमने पहली संस्था शुरू करी थी वे बैक इन 1999, और यहां पे साइन हॉस्पिटल है, और ये सारी हॉस्पिटल, दो तीन हॉस्पिटल्स बहुत सेंसिटिव है, पर सभी जगह सेंसिटिविटी होनी चाहिए क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। आई थिंक बड़े शहरों में फिर भी लोग सेंसिटाइज हो गए हैं, छोटे शहरों में अभी भी एक टैबू है और लोग ठीक तरह से, कभी कभी अंशुमान जी ऐसे लगता है कि टैबू पढ़े लिखों में ज्यादा हो जाती है। जो हमारे गांव में हैं लोग, वो एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी दिखाते हैं, और मैंने देखा है कि जाओ एजुकेटेड, जितना भी एजुकेटेड जो आता है वहाँ स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन के लेयर्स और बढ़ जाते हैं, और जो सिंपल गांव से आते हैं तो वो भी कहते हैं आप मेरी बहनी हो, दीदी हो, और वहीं पे बात खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा कोई बात ही नहीं करता। सो एक्सेप्टेंस इन विलेजेस आर मोर इजियर देन द अर्बन सेटिंग्स। कि आपकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, मतलब आने वाली फिल्मों में भी एक ट्रांस एक्टर होना चाहिए जो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके सिनेमा के जरिए, बल्कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, हर एक फील्ड में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। Trans. I agree to
चलिए अंशुमान जी की हर एक फील्ड में होना चाहिए। और आप बहुत सारे डॉक्टर्स अभी हमारे समाज से एजुकेट होके आ रहे हैं, एम्स में हैं, लोग कुछ लोग आउट नहीं हैं स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन के वजह से, अपोलो में लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, साउथ में तेलंगाना में हैं डॉक्टर्स जो हमारे कम्युनिटी से हैं। नहीं नहीं लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे साथ शेयर किया और चेंज शुरू हो गया, बट अ लॉट मोर हैज टू हैपन।